पर मौजूद है राकेश सचानी। राकेश जी, मुख्यमंत्री आवास पर बैठक हो गई। हाँ, बैठक क्या बुलाया था कि शपथ ग्रहण में चलना है, वहीं पहुंच में चलना है। मंच पर भी जगह मिल रही है। अब मंच पे देखिए, वहाँ कहाँ बुलाया जाता है। योगी जी ने बुलाया और कहा कि सब लोग पहुंचिए शपथ में। अच्छा, तो क्या कुछ बातें हुई हैं? कितने लोगों को बुलाया था? चाय वाय पिलाई। चाय पिला दी ना आपको? चाय पिलाई। इस चाय का बहुत लोग आप भी इंतजार कर रहे होंगे कल रात से ही। नहीं नहीं, हम तो कई बार चाय पी चुके हैं। अच्छा, तो आज भी योगी जी ने बुलाया कि वही शपथ। कितने लोग जो है चाय पीने आए? अब वो काफी थे, 50-55 लोग थे। अच्छा, तो फिर जो है चाय नहीं चाय पी ली है, तो अभी कितने बजे पहुंचेंगे? गाड़ी इधर ही को करा दी। अब 3 बजे पहुंचेंगे। 3 बजे पहुंचेंगे। क्या कुछ जानकारी दी गई है? कितने लोग जो है मंच पर सब पहुंचे? नहीं, ये कोई जानकारी नहीं दी गई। क्या कहा है? ये कोई जानकारी नहीं है। हम लोग जो है योगी जी का निर्देश है, सबको मंच पे रहना है, वहाँ पर शपथ ग्रहण में चलना है। कार्यकर्ता पूरे प्रदेश का आ रहा है, ऐतिहासिक शपथ ग्रहण है और प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। उसके समर्थन, उसके सभी लोगों को उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना है। तो आप लोगों, वैसे जो है जितने भी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या कुछ और कोई संदेश दिया गया? यही सबसे बातचीत हुई, सबको आमंत्रण किया गया, सब लोग पहुँचे। कितने बजे फ़ोन आ गया था आपके? फोन नहीं आया, अभी बुलाया गया। हम तो पास लेने आए थे तभी बुलाया। अच्छा, तो मतलब पास लेने आए थे और बुला लिया गया था, ये कहना है राकेश सचान का। ये जरूर कहा गया है कि आप वहाँ पर पहुँचिए। हालांकि जिस बात का मैं जिक्र कर रहा हूँ ना, कि कोई भी खुलकर नहीं कह रहा है कि उनको शपथ ग्रहण के लिए न्योता दिया जा रहा है, लेकिन जो भी कार्यकर्ता उनकी बधाइयाँ जरूर स्वीकार की जा रही है। जो चेहरे पर मुस्कुराहट है वो भी काफ़ी कुछ इशारा कर रही है, लेकिन ये जरूर कहा गया है कि योगी जी ने, यानी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जरूर कहा है कि आप शपथ ग्रहण में पहुंचिए। और इसी वजह से खास तौर पर न्योता देकर के पहले घर पर बुलाया गया और अब आमंत्रित किया गया शपथ ग्रहण समारोह के लिए भी। सहयोगी कैमरा पर्सन मनोज त्रिपाठी के साथ अंकित गुप्ता, बीपी न्यूज, लखनऊ। तो सचान साहब भले ही पत्ते ना खोल रहे हो, ये कह रहे हो कि पहले भी कई बार वो चाय पी चुके हैं योगी जी के साथ, लेकिन आज की जो चाय उन्होंने पी होगी उसका मजा ही कुछ और होगा। बस कुछ ही देर में तमाम लोग यहां पर पहुंचेंगे जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।